दोपहर 3 बजे। सो हे वेलकम टू माय ब्लॉग BBGS ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो गाइस आज हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स पिंपरी प्लांट में, आज उसका ब्लॉग बना के आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। सो गाइस ये देख सकते हो, ये पिंपरी प्लांट है जो कि टाटा मोटर्स का, ये पिंपरी प्लांट है, चिंचवर पिंपरी महानगर पालिका पड़ता है उसका ये पिंपरी प्लांट है। तो गाइस आज मैं इसका पूरा विजिट कराने वाला हूँ, मैं आपको इसका लोकेशन और पूरा डिटेल्स में मैं कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्या आज वैकेंसी वगैरह है या नहीं, वैकेंसी चल रहा है या नहीं। और अभी देख सकते हो 3 बज गया है, 3 बजे मतलब पहले इन किया जाता है उसके बाद आउट किया जाता है। तो अभी देख सकते हो मतलब अभी काफ़ी सारे एम्प्लॉय अभी मतलब काम करके निकल रहे हैं, और उससे पहले जो मतलब इन कर चुके हैं, जो सेकेंड शिफ्ट जो चालू होती है वो 3 बजे से चालू होती है, वो मतलब इन कर चुके हैं अभी। और देख सकते हो पूरा टाटा मोटर्स का ये नज़ारा पीछे का, ये देख सकते हो ये टाटा मोटर्स पिंपरी प्लांट है गाइस। और ये देख सकते हो कितना क्राउड हो जाता है जब टाटा मोटर्स की जब एम्प्लॉय सारे जब निकलते थे, कितनी क्राउड हो जाती है देख सकते हो आप गाइस, पूरा जाम पड़ जाता है इधर। ये देखो कितनी जाम पड़ जाती है, देख सकते हो कितना क्राउड हो चुका है वहां पर अभी। तो जैसा कि आपको पता है कि गाइस ये पिंपरी प्लांट, ये पिंपरी प्लांट पुणे में है जो कि यहाँ पे ट्रक को ट्रैक बनाया जाता है, और ये गाइस और 1600 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है, मतलब इसका तो 5-6 गेट है समथिंग गाइस, देखा जाए तो इसका मटेरियल गेट अलग पड़ता है, और इसको मतलब आने जाने के लिए मतलब जब एम्प्लॉय आते हैं तो उसके लिए गेट अलग है। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ बस आते और जाते हैं, शिफ्ट के बस आते जाते, ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट, यहाँ से मटेरियल का कोई भी सामान नहीं जाता है, इसके मटेरियल का गेट बहुत सारा है। और गाइस अगर एक शिफ्ट का बात करें तो एक शिफ्ट में गाइस इसमें से 8 से 9 हज़ार एम्प्लॉय काम करते हैं एक शिफ्ट में, जैसे 3 शिफ्ट पड़ता है इसमें, ए बी सी होता है शिफ्ट, ये तीनों शिफ्ट में मतलब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 25-26 हज़ार लोग 3 शिफ्ट में मतलब काम कर लेते हैं, देखा जाए तो गाइस देख सकते हो कि ये फर्स्ट शिफ्ट की आउट हुआ है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट 6:30 में इन होता है और आउट किया जाता है इसको 3 बजे, तो 3 बज गए हैं, तो देख सकते हो आप काफ़ी सारे बस निकल रहे हैं, इसमें सभी एम्प्लॉय लोग होंगे। इसमें इस टाइमिंग की बात किया जाए तो इसमें 3 शिफ्ट में मतलब शिफ्ट चलती है, एक 6:30 से लेकर 3 बजे तक, और एक 3 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक, और सी शिफ्ट चलता है रात के 11:30 से सुबह के 6:30 बजे तक, जो कि 3 शिफ्ट चलता है गाइस इसमें। अगर गाइस शिफ्ट वाइज अगर लंच की बात किया जाए तो ए शिफ्ट में भी खाना मिलता है, बी शिफ्ट में भी खाना मिलता है, और सी शिफ्ट में गाइस खाना नहीं मिलता है, सी शिफ्ट में सिर्फ नाश्ता आपको मिलता है। अगर ऑल ओवर अगर गाइस देखा जाए तो ना ही खाने की टेंशन है और ना ही बस की टेंशन है और ना ही कुछ की टेंशन है। अगर आपको गाइस इस कंपनी में ज्वाइनिंग लेना है तो ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको टाइम से सुबह 8:30 बजे यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और डॉक्यूमेंट में आपको क्वालिफिकेशन का जो भी क्वालिफिकेशन किए हुए 10th 12th का मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड का प्लस VID नंबर होना चाहिए, और अकाउंट और पैन कार्ड और कोविड का सर्टिफिकेट फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों होना चाहिए गाइस। और ये खाली स्पेस तो देख रहे हैं गाइस, ये पार्किंग एरिया है, इधर सारे कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे, टेम्पररी एंटिटी या पोर्टवीज के सारे कॉन्ट्रैक्टर। और अब बात करते हैं गाइस हॉस्टल की, जो कि टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉय के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करती है, जो कि पिंपरी प्लांट के पास ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा, वहां पर आप रह सकते हैं, और उसके बाद सुबह 8:30 में जितने टाइम में आपको बुलाया जाएगा बस आपको कंपनी में प्रेजेंट हो जाना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है गाइस। अब बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट कितने मिलेगी, तो गाइस अगर आप टेम्पररी में ज्वाइन होते हैं तो आपकी पेमेंट 14,500 होगी, और प्लस कुछ उसमें से PF कटते हैं, उसके बाद जो भी बचता है 1800 समथिंग उसमें PF कटेंगे, बाकी जो है आपके अकाउंट में इनकैश दे दिया जाएगा। और NTTF की बात करें गाइस तो NTTF की जो होती है पेमेंट 12,800 पेमेंट होती है, और जिस वजह से उनको PF नहीं कटती है, ओनली उनको कैश पेमेंट कर दिया जाता है उनको बैंक अकाउंट में, और इनमें प्रोवाइज भी होते हैं गाइस, और इसमें साई इंटरप्राइजेस भी होते हैं, और इसमें BBG जो कि साफ सफाई करनी जो होते हैं उन सभी को इनमें ज्वाइनिंग लिया जाता है। और मैं बता दूं कि गाइस टाटा मोटर्स के वर्कर्स को फोन अलाउड नहीं होता है गाइस, और ये जो गाइस आप देख रहे हो ये टाटा मोटर्स पिंपरी प्लांट के पास का हॉस्टल है, जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, ये हॉस्टल बहुत बड़ा हॉस्टल है गाइस। ये तो सर 5:15 में परमानेंट वाले की गाड़ी निकलती है, उसके बाद वो लोग जाएंगे जो कि परमानेंट है, यहाँ परमानेंट वालों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है गाइस, यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख
जैसा जिसका मतलब पोजीशन होता है वैसा ही यहाँ पे मतलब सैलरी बेस दिया जाता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करो ताकि जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको जॉब मिल सके।